सत्संग का लाभ सौभाग्य से प्राप्त होता है। संसार में यदि दुर्लभ है तो सत्संग है। कुछ संगत तो हर कहीं बैठकर किया जा सकता है और कुछ संगत में बैठकर आदमी दुराचारी हो जाता है। जीवन में गुरु का होना जरूरी है, वही सत्य के मार्ग पर ले जाता है और जहाँ सत्य होता है वहीं ईश्वर का वास होता है। श्री राम कथा के छठे दिन व्यास गादी से स्वामी श्री शांति स्वरूपानंद जी महाराज ने यह वक्तव्य व्यक्त किए। छठे दिन केवट और श्री राम का नाव से गंगा पार का दृष्टांत सुनाया। जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आती जा रही है वैसे वैसे भक्तों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। कन्नौज से कमल गर्ग राही की रिपोर्ट। केवट को सिर पर हाथ रखा, भगवान का एक चरण धोया, भगवान ने दूसरा चरण दिया तो वो एक रख गया जमीन पर, कहा प्रभु ये गलती हो गई, आपने जमीन पर रख दिया, फिर भूल लग गई, फिर से धोना पड़ेगा, फिर धोया। तो अपना गमछा बिछा दिया इस पर रख और फिर पद पखार जल पान कर आप सहित। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।